नमस्ते, आप सभी का इस स्पेशल वीडियो में स्वागत है। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ सल्फर इन मैग्नीशियम ट्रीटमेंट इन डक्टाइल आयरन। बेसिकली ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, और जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें हाउ एंड व्हाई सल्फर इज सो इम्पोर्टेंट इन मैग्नीशियम ट्रीटमेंट इन डक्टाइल आयरन, और हाउ वी कैन एडजस्ट मैग्नीशियम एडिशन इन केस ऑफ हाइयर सल्फर लेवल इन बाथ केमिस्ट्री, ये दो सवाल पूछे गए थे। और पिछले कुछ दिन पहले जब मैं जयपुर फाउंड्री एसोसिएशन के फाउंड्री विजिट में था, तब ये सवाल मुझे आए थे। और साथ ही में हमारा जो डायनामिक फाउंड्री ग्रुप है उसके गोल्ड ग्रुप के एक डिस्कशन में भी इस सवालों के बारे में पूछा गया था। तो मैंने सोचा ये सही समय होगा कि इस सवालों को लेके एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन बनाया जाए, और इसीलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज के इस वीडियो में जो कंटेंट है उसमें रहेगा व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फर इन डक्टाइल आयन, व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ सल्फर लेवल इन बाथ एंड फाइनल केमिस्ट्री इन डक्टाइल आयन, व्हाट हैपेंस इफ द सल्फर लेवल्स आर ऑन हायर साइड, व्हाट आर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इन इंक्रीजिंग ऑफ सल्फर लेवल इन डक्टाइल आयन, एंड गाइडलाइंस फॉर द मैग्नीशियम एडिशन विथ रिस्पेक्ट टू सल्फर लेवल टू गेट गुड क्वालिटी ऑफ डक्टाइल आयन। तो ये पांच कंटेंट है बेसिकली आज के इस वीडियो में। हम एक एक करके इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला जो कंटेंट है, जो पहला इशू है, वो दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फर इन डक्टाइल आयरन। डक्टाइल आयरन में सल्फर का रोल क्या है, व्हाई सल्फर इज सो इम्पोर्टेंट इन डक्टाइल आयरन। सो सल्फर रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम अलॉय टू मेक मैग्नीशियम सल्फाइड व्हिच इज नथिंग बट ड्रॉस और लिक्विड्स। तो सल्फर क्या करता है, मैग्नीशियम अलॉय के साथ में मिलके मैग्नीशियम सल्फाइड बनाता है, जो जिसे हम ड्रॉस कहते हैं या लिक्विड स्लैग कहते हैं। और ये स्लैग या ड्रॉस क्या करता है, बेसिकली ये मैग्नीशियम को खाता है, ये मैग्नीशियम को कंज्यूम करता है, जिसके वजह से जो रेसिडुअल मैग्नीशियम है कम लगता कम होता है, या फिर मैग्नीशियम का जो कंजम्पशन है, जो एडिशन है, हमें बढ़ाना पड़ता है। सो इफ सल्फर इज मोर देन मोर अमाउंट ऑफ मैग्नेशियम विल गेट वेस्टेड इन रिएक्टिंग विद सल्फर एंड देन लेस मैग्नेशियम विल बी अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट। तो जितना आपका सल्फर ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा मैग्नेशियम सल्फर के साथ खराब हो जाएगा, सल्फर के साथ एमजीएस बन जाएगा, और उतना कम मैग्नेशियम हमें ट्रीटमेंट के लिए मिलेगा, उतना कम मैग्नेशियम हमें रेसिडुअल मैग्नेशियम के तौर पर मिलेगा, और जिससे कि जो डक्टाइल आयन की क्वालिटी है वो हैम्पर होगी, आपका मैग्नीशियम का कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है सल्फर का। तो सल्फर जितना कम रहेगा उतना ही ज्यादा अच्छा एजाइन आप बना पाएंगे, उतना ही एजाइन की क्वालिटी आप इंप्रूव कर पाओगे, और साथ ही में मैग्नीशियम अलॉय का एडिशन या उसका कंजम्पशन भी आप कंट्रोल कर पाओगे। तो इस तरह सल्फर का रोल जो डक्टाइल आयन में है बहुत अहम है। दूसरी बात है व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ सल्फर लेवल इन बाथ एंड फाइनल डक्टाइल आयन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डक्टाइल आयन में आपको सल्फर चाहिए कितना। तो सल्फर रिक्वायर्ड इन बाथ ऑफ डक्टाइल आयन मेटल इज ऑलवेज लेस देन 0.02। तो 0.02 से कम सल्फर होना चाहिए आपका बाथ में, और फाइनल में वो 0.015। तो फाइनल सल्फर आफ्टर मैग्नेशियम ट्रीटमेंट मस्ट बी लेस देन 0.015%। तो 0.02 बाथ में होना चाहिए, और वो कम होके 0.015 के नीचे आपको फाइनल में सल्फर आना चाहिए, मैग्नीशियम ट्रीटमेंट के बाद सल्फर आना चाहिए। तो हमें इस तरह अपना मैग्नीशियम रखना है, इस तरह हमें काम करना है कि ये सल्फर लेवल बाथ में 0.02 और फाइनल में 0.015 के नीचे रहे, ये बहुत अहम है। तीसरी बात है व्हाट हैपेंस इफ द सल्फर लेवल आर ऑन हायर साइड। क्या होगा अगर हमारा सल्फर लेवल ज्यादा रहेगा, अगर हमारा सल्फर लेवल ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, इफ द सल्फर लेवल इज ऑन हायर साइड देन मोर अमाउंट ऑफ मैग्नेशियम विल गेट कंज्यूम और वेस्टेड इन रिएक्टिंग विद सल्फर एंड देन लेस मैग्नेशियम विल बी अवेलेबल फॉर फॉर्मिंग नोड्स। सो मोर कंजम्पशन ऑफ मैग्नेशियम विल बी देयर एंड लेस रेसिडुअल मैग्नेशियम कैन गिव राइज टू लेस नोबिलिटी एंड बैड क्वालिटी ऑफ डक्टाइल आयरन। यह बात हमने ऑलरेडी हमारे पॉइंट नंबर वन में देखिएगा, अगर आपका सल्फर हायर साइड पर रहेगा तो डेफिनेटली इसका परिणाम क्या होगा, तो आपका मैग्नेशियम है वो ज्यादा कंज्यूम होगा सल्फर के साथ में, और कम मैग्नीशियम बचेगा आपको नोबिलिटी के लिए, और जिससे कि आपका जो क्वालिटी है मैग्नीशियम
के वजह, मैग्नीशियम कम रहने के वजह से जो पॉलीडाइडक्टाइल आयन था वो खराब हो जाएगा, आपकी न्यूट्रिटी कम हो जाएगी और साथ ही में आपका कंजम्पशन जो है मैग्नीशियम का बढ़ जाएगा। व्हाइल वर्किंग विद दिस हायर सल्फर लेवल वी हैव टू ऐड मोर मैग्नीशियम अलॉय। तो हायर सल्फर लेवल के साथ में जब हम काम करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मैग्नीशियम अलॉय डालना पड़ेगा, विच गिव्स फर्स्ट पास रेसोनेंट मैग्नीशियम ऑन अ वेरी हायर रेंज एंड विच कैन बी गिव क्वालिटी इश्यूज लाइक पिन होल्स, पुअर स्टेबिलिटी, इंक्रीज इन श्रिंकेज टेंडेंसी एक्सेट्रा। तो अगर आपका सल्फर लेवल हायर साइड पे है तो आपको ज्यादा मैग्नीशियम अलॉय का एडिशन करनी पड़ेगी, और अगर आप ज्यादा मैग्नीशियम अलॉय एडिशन करोगे तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि आपका जो रेसिडुअल मैग्नीशियम है फर्स्ट बॉक्स के ऊपर, पहले बॉक्स के ऊपर, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें आखिरी बॉक्स में मिनिमम 0.3% रेसिडुअल मैग्नीशियम रखना है। तो हमें उस हिसाब से हमें मैग्नीशियम अलॉय की एडिशन बढ़ानी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें ज्यादा मैग्नीशियम डालना पड़ेगा, और ज्यादा मैग्नीशियम डालने के वजह से पहले बॉक्स में जो मैग्नीशियम आएगा वो हाइयर साइड पे रहेगा, और ये हाइयर साइड पे जो मैग्नीशियम रहेगा उसके वजह से काफी क्वालिटी इश्यूज आते हैं, जैसे कि पिन होल्स आएंगे, पोअर मशनेबिलिटी, मशीनिंग में आपको तकलीफ होगी, पोअर मशनेबिलिटी आएगी, और साथ ही में ये क्या करेगा, आपकी श्रिंकेज टेंडेंसी को इंक्रीज करेगा, आपकी श्रिंकेज टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें बहुत अहम है, और इसलिए आपको हमेशा सल्फर लेवल को कम रखना है। हाइयर साइड पे आप रखोगे तो ये सारी इश्यूज है, जैसे कि पिन होल्स है, पोअर मशनेबिलिटी है, श्रिंकेज टेंडेंसी का बढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है लो रेसिडुअल मैग्नीशियम या फिर लेस नोडुलरिटी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे, तो इसलिए आपको सल्फर लेवल को हमेशा लोअर साइड पर रखना है, 0.02 मैक्स इन द बाथ और 0.015 इन द फाइनल आफ्टर ट्रीटमेंट। उसके अगला इंपॉर्टेंट इश्यू है कि व्हाट आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इन इंक्रीजिंग सल्फर लेवल इन डक्टाइल आयन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स यहाँ पर मैंने नोट डाउन किए हैं। उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज सीआरसीए मिक्सड अप विथ एमएस स्क्रैप। तो ये है सीआरसीए का मिक्सड अप होना, सीआरसीए में अगर कुछ और मटेरियल है, जैसे कि हम हमेशा जानते हैं कि उसमें एमएस मिक्स हो सकता है, उसमें अलग अलग के तरीके के स्क्रैप मिक्स हो सकते हैं, तो उसके वजह से क्या होगा, आपका सल्फर लेवल बढ़ जाएगा। तो सीआरसी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंक्रीज सल्फर लेवल, सल्फर लेवल बढ़ने का सबसे मेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जरिया या फिर सोर्स क्या है, तो वो है सीआरसी। इसलिए सीआरसी का रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन बहुत मायने रखता है डक्टाइल आयन में। डक्टाइल आयन की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए आपको रॉ मटेरियल के इंस्पेक्शन के ऊपर, रॉ मटेरियल के कंसिस्टेंसी के ऊपर काफी काम करना पड़ता है। उसमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है सीआरसी। द सेकंड वन इज कार्बन। कार्बन में क्या होता है, जो आप कास्ट आयरन के लिए इस्तेमाल करते हो, सीपीसी है या कार्बोराइजर है, तो उसमें 0.2 से लेके 0.25 तक सल्फर रहता है। तो उससे क्या होगा, अगर गलती से आपने सीपीसी डाल दिया या कार्बोराइजर डाल दिया या हाई सल्फर वाला कोई कोक डाल दिया, तो उससे क्या होगा, आपका बाद का सल्फर जो हमें 0.02 चाहिए, उससे कम चाहिए, वो अचीव नहीं होगा, वो बढ़ेगा, और वो अगर बढ़ेगा तो फिर वो सारी चीजें हमने जो ऑलरेडी डिस्कस की है कि जो हाई सल्फर से क्या होगा, वो सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ेगी। तो उसे अगर कम करना है तो हमें कार्बन के ऊपर ध्यान देना होगा। नॉर्मली एजाइन में हम जीपीसी इस्तेमाल करते हैं या फिर शेलकोक इस्तेमाल करते हैं, जिसका जिसमें कार्बन जिसमें सल्फर लेवल 0.05 से भी कम होता है, सल्फर लेवल 0.05 से कम होता है जीपीसी और शेलकोक में, और ये दोनों कार्बन कार्बोराइजर मटेरियल में जो सल्फर लेवल कम होने की वजह से हम बाथ मेटल में सल्फर को 0.02 के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा, एक सेपरेट वीडियो है इसके ऊपर, कार्बो द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोराइजर इन डक्टाइल आयन, वो जरूर आप देखिए, सर्च करके आप डायनेमिक फाउंड्री ग्रुप के ऊपर जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिलेगा, जिसमें हमने कार्बोराइजर का महत्व तो क्या है, कार्बोराइजर के बारे में काफी सारी जानकारी उसमें दी है, तो उस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आपको अधिक जानकारी मिलेगी कार्बोराइजर के बारे में, कार्बन के बारे में, और डक्टाइल आयन में उसका महत्व क्या है उसके बारे में। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है कि जो कार्बन हम इस्तेमाल करेंगे डक्टाइल आयन में, दैट शुड बी आइदर जीपीसी और शेलकोक, जिससे आपको सल्फर कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी।
थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज मिक्स्ड अप ग्रे कास्ट एंड स्क्रैप। जो रनर राइजर है, जो रिजेक्शन है, उसमें अगर गलती से कास्टाइन और एजियन मिक्स हो गया तो क्या होगा? क्योंकि आपके कास्टाइन और कास्टाइन में बेसिकली सल्फर लेवल होता है 0.47 to 0.12, जो बहुत ज्यादा है, और उसके वजह से क्या होगा, आपका बाद का सल्फर बढ़ेगा। जबकि हमारे रनर राइजर जो एजियन के रहेंगे उसमें सल्फर लेवल रहेगा 0.15 और उससे कम रहेगा। तो अगर 0.15 के जगह 0.7 का मटेरियल अगर हम डालेंगे मटेरियल में और सल्फर को चेक करेंगे बाद में, तो वो हमेशा 0.02 से आगे रहेगा, ज्यादा रहेगा, और आपको सारी वो सारी चीजें फिर फेस करनी पड़ेगी। इसलिए ग्रे कास्टैन का स्क्रैप एजियन में बिल्कुल भी मिक्स मिक्स मत कीजिए, सेपरेट रखिए, और कास्टैन का स्क्रैप एजियन में कभी भी इस्तेमाल मत कीजिए। आप एजियन का स्क्रैप अलग रख के उसी को अगर आप डक्टाइल आयन बनाते समय इस्तेमाल करेंगे, तो आप सल्फर लेवल को 0.02 के ऊपर, मतलब 0.02 के नीचे काफी हद तक उसको कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज है, वो है ग्रे कास्टाइन मेटल शुड नॉट रिमूव फ्रॉम फर्नेस बिफोर स्टार्ट ऑफ डक्टाइल आयन। सल्फर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपने अगर ग्रे कास्टाइन का जो मेटल है उसको फर्नेस में से नहीं निकाला है और इजन शुरू कर दिया, तो क्या होगा, जो ग्रे कास्टाइन का मेटल है जिसमें 0.7 से लेके 0.12 तक सल्फर है, वो मेटल अगर बेस में रहेगा और उसमें आप इजियन बनाना शुरू करोगे, तो डेफिनेटली आपका बाद का सल्फर लेवल फिर बढ़ जाएगा। इसलिए जब भी इजियन शुरू करो, पहले फर्नेस को एम्प्टी आउट करो, जो भी कास्टर का मेटल बचा हुआ है उसको नीचे डालो, या फिर किसी अलग जगह पे उसको स्टोर करो, जिसके वजह से आप इजियन बनाते समय उस हाई सल्फर मटेरियल से छुटकारा पा सकते हैं, और उससे आपका जो बाद का सल्फर है उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज है स्लगिश या ग्रे कास्टाइन स्लैग फर्नेस यूज फॉर डक्टाइल आयन। जब भी डक्टाइल आयन शुरू करना है आपको, उसके एक हीट पहले आपको क्या करना है, तो आपको कास्टाइन के हीट को सुपर हीट करके उसमें से जो भी स्लैग है वो बाहर निकालना है। क्योंकि कई बार कास्टाइन में हो जाता है कि आपका स्लैग जो जिसमें आप बोरिंग इस्तेमाल करते हैं या फिर आप जो कार्बोराइजर इस्तेमाल करते हैं, वो कार्बन चिपका रहता है, बोरिंग का कुछ लेयर चिपका रहता है, स्लैग जो ग्रे कास्टाइन का है वो चिपका रहता है, और फर्नेस में चिपका हुआ ये स्लैग या फिर ये कार्बन या क्या करता है, वो सल्फर को बढ़ा देता है, क्योंकि उसमें हाइयर सल्फर लेवल रहता है। तो ये अगर सल्फर लेवल को बढ़ा देगा, तो बाद में आपको फिर एक बार 0.02 सल्फर नहीं मिलेगा, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है डक्टाइल आयन शुरू होने से पहले आप फर्नेस को पूरी तरह क्लीन करो, स्लैग फ्री करो, और उसके बाद ही डक्टाइल आयन शुरू करो, ताकि आपको पहले ही से आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, आपको बेहतर सल्फर लेवल मेंटेन करने में मदद मिलेगी, 0.02 के नीचे आप सल्फर को मेंटेन कर पाओगे। सो वी मस्ट अवॉइड ऑल दिस सिचुएशन एंड कंडीशन टू गेट मिनिमम सल्फर लेवल इन बाथ मेटल ऑफ डक्टाइल आयन। तो ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपका सल्फर लेवल कम रहेगा, जिससे आपको डक्टाइल आयन, अच्छा डक्टाइल आयन बनाने में काफी हेल्प मिलेगी। जो आखिरी पॉइंट है, जो एक्चुअल सजेशन था या एक्चुअल लोगों का क्वेश्चन था कि किस तरह सल्फर लेवल अगर बढ़ेगा तो हमें किस तरह रिएक्ट करना है, हमें क्या करना है, क्या कुछ गाइडलाइंस है क्या, अगर सल्फर लेवल इतना है तो मैग्नीशियम कितना डालना है, ये सारी चीजें हमें इस आखिरी स्लाइड में मैं बताने वाला हूँ। गाइडलाइंस फॉर द मैग्नीशियम एडिशन विथ रिस्पेक्ट टू सल्फर लेवल्स टू गेट गुड क्वालिटी ऑफ डक्टाइल आयन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो है कि सल्फर लेवल बात भी कितना है, और उसके बाद हमने लिखा है कि एडिशन ऑफ मैग्नीशियम ऑलॉयज कितनी होनी चाहिए, और उसके बाद में लिखा है रिवर्स। तो सबसे पहले तो आएगा बिलो 0.15%। अगर आपका सल्फर लेवल बात में 0.015% या उससे नीचे है, तो आप 0.8% या 1% के अंदर मैग्नीशियम को रख सकते हैं। आपका मैग्नीशियम एडिशन 0.8 से 1% के बीच में होगा, और ये बहुत सेफ है, ये जो कंडीशन है बहुत सेफ है, इसमें आप नोडुलरिटी अच्छी पाएंगे, बहुत कम रिस्क है इसमें। मैग्नीशियम अलॉय परसेंटेज डिपेंडिंग ऑन द टैपिंग टेम्परेचर, पोरिंग टाइप कंट्रोल एंड लैडल डिजाइन। तो आप पूछोगे 0.8 कब करना है, 1% कब करना है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर टैपिंग टेम्परेचर। आपका टैपिंग टेम्परेचर बढ़ेगा तो अलॉय आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपका मैग्नीशियम लॉसेस बढ़ेंगे। पोरिंग टाइम का कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, आप 6 मिनट करते हैं या 8 मिनट करते हैं, उसके ऊपर मैग्नीशियम अलॉय का परसेंटेज बढ़े बनेगा।
और आखिरी में आपका लैडर डिजाइन क्या है, 1:2 है, 1:3 है, आपका ट्विन डिश कवर आप इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं, पॉकेट का डिजाइन किस तरह है, इन सारी चीजों के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप 0.8% रुकोगे या 1% रुकोगे। लेकिन एक सिर्फ गाइडलाइन के तौर पर मैंने दिया है कि अगर आपका 0.015 से नीचे सल्फर है तो आपका एडिशन 0.8 से 1% के बीच में रहेगा। आपका सल्फर लेवल अगर 0.015 और 0.02 के बीच में रहेगा तो आप नॉर्मली 1% से 1.1 तक मैग्नीशियम अलॉय इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी काफी सेफ है विद गुड कंट्रोल ऑफ पोरिंग टाइम एंड पोरिंग टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर आपने सही कंट्रोल किया, क्योंकि जितना आप टैपिंग टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका मैग्नीशियम का लॉस बढ़ेगा, रिएक्शन काफी ज्यादा वॉयलेंट होगी तो उससे आपका मैग्नीशियम का लॉस बढ़ेगा, इसलिए आपको टैपिंग टेम्परेचर के ऊपर या पोरिंग टेम्परेचर के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा कि आपका मैग्नीशियम परसेंटेज कितना है। साथ ही में पोरिंग टाइम, आप कितना टाइम पोरिंग करोगे, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। अगर आप 1540 टेम्परेचर के ऊपर जा रहे हो और आपका पोरिंग टाइम अगर 6 मिनट है तो आप 0.015 से लेके 0.02 में 1% के साथ भी मैग्नीशियम का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपका लैडर डिजाइन सही है, पॉकेट सही है, आप ट्विन डिश कवर इस्तेमाल कर रहे हैं, 6 मिनट के अंदर पोरिंग कर रहे हैं, 1540 टेम्परेचर ले रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है। थर्ड सिचुएशन इज व्हेन योर सल्फर लेवल इज 0.02 से लेके 0.025। इसमें आपका मैग्नीशियम एडिशन 1.2 1.3 मैंने रिकमेंड जरूर किया है, लेकिन इट इज अन अनसेफ कंडीशन। ये इस कंडीशन अनसेफ है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और इसलिए इट इज बेटर टू रिड्यूस सल्फर बिलो O2। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड यही करूंगा कि आप कोशिश ये करो कि सल्फर को O2 के नीचे लेके फिर ट्रीटमेंट करो ताकि आप सेफ जोन में जाए, अनसेफ ना रहे, क्योंकि यहाँ पर अनसेफ कंडीशन है, रिस्क ज्यादा है क्योंकि आपका सल्फर लेवल ज्यादा है और सल्फर लेवल ज्यादा होने की वजह से आपका मैग्नीशियम अलॉय की एडिशन ज्यादा होगी, उससे आपका वॉयलेंस बढ़ेगा, काफी ज्यादा टर्बुलेंस होगा, इसके साथ में फर्स्ट बॉक्स लास्ट बॉक्स के मैग्नीशियम में काफी फर्क आएगा और इसमें और सारी ना सिर्फ श्रिंकेज टेंडेंसी बढ़ने के चांसेस है, मैशनेबिलिटी खराब होने के चांसेस है, पिन होल होने के चांसेस है, बल्कि ये भी चांस है कि सल्फर लेवल जो ज्यादा है अगर मैग्नीशियम उसको काउंटर नहीं कर पाएगी तो शायद आपकी नोडुलरिटी भी डाउन हो सकती है, वो भी कम आ सकती है। इसलिए इट्स ऑलवेज बेटर टू रिड्यूस सल्फर बिलो 0.02। साथ ही में मैंने 4 नंबर में डाला है, 0.025 से ऊपर अगर आपका सल्फर रहेगा तो आपको ट्रीटमेंट के लिए 1.4 से 1.5 तक मैग्नीशियम ऑलाइड डालना पड़ेगा, लेकिन ये भी काफी अनसेफ कंडीशन है और अगेन आई विल से बेटर टू रिड्यूस सल्फर बिलो O2। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यूर सल्फर इन द बाथ शुड बी लेस देन 0.02%, बिकॉज इफ इट इज मोर देन दैट इट इज अनसेफ कंडीशन टू डू ट्रीटमेंट विद इंक्रीज परसेंट ऑफ मैग्नीशियम अलॉय, ये काफी अनसेफ कंडीशन है एंड इट विल गिव राइज टू हाई रेसिडुअल मैग्नीशियम एज वेल एज देर आर चांसेस दैट वी गेट एक्सप्लोडेड ग्राफाइट एंड समटाइम फ्लिक्स ग्राफाइट एज वेल। तो अगर आपका सल्फर ज्यादा है 0.02 से तो ये चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको एडिशनल मैग्नीशियम अलॉय के साथ ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, जिससे एक्सप्लोडेड नोडुलरिटी तो आएगी आएगी, साथ में कई बार आपको ये रिस्क रहेगा कि आपके साथ फ्लेक्स ग्राफाइट ना आ जाए। अगर फ्लेक्स ग्राफाइट आता है तो इसका मतलब आपका एज जॉइंट फेल हो गया, खराब हो गया, इसे आप उस कमर को नहीं दे सकते। इसीलिए इट इज रिकमेंडेड टू गो फॉर रिड्यूस सल्फर इन बाथ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक सुझाव दिया है कि बाय ट्रीटिंग दिस बेस मेटल, जिसमें आपका सल्फर लेवल बड़ा है, वो अगर बेस मेटल आप एक मैग्नीशियम अलॉय के साथ प्री हीट के समय, प्री हीट करते समय लैडल को अगर उसमें मैग्नीशियम डाल के एक बार उसके साथ में अगर ट्रीट करोगे या रिंस करोगे, वो मेटल वापस बैक टू फर्नेस लोगे, तो उस मैग्नीशियम, सिर्फ मैग्नीशियम डालना है आपको, जिस लैडल में आप लैडल को जब गर्म कर रहे हो तो उसमें पॉकेट में मैग्नीशियम डाल के अगर मेटल आप रिंस करोगे तो क्या होगा, वो मैग्नीशियम आपका सल्फर लेवल कम कर देगा, वापिस वो मेटल जब आप फर्नेस में बैक लोगे तो फिर आप जो मैग्नीशियम सल्फाइड का जो स्लैग है उसको निकाल के एक बार वापिस सल्फर को चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि पहला जो आपका सल्फर है शायद 0.025 है, तो वो कम होके 0.02 तक आ गया है, तो उसके बाद आप सेफ रहोगे ट्रीटमेंट करने समय, ट्रीटमेंट करने के लिए। तो आप थोड़ा सा जो रिस्क है वो रिस्क आप रिड्यूस करोगे।
तो ये मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसके मैग्नीशियम के साथ उसे ट्रीट करें और वापस वो मेटल फर्नेस में ले, जिसमें आप दोनों चीजें एक साथ कर सकते हैं। आपका लैडल का प्रीट भी हो जाएगा और साथ में आप सल्फर को भी रिड्यूस कर पाओगे, लोअर साइड में ले सकोगे। तो रिंस बैक फॉर मेटल इनटू द फर्नेस टू रिड्यूस सल्फर लेवल इन द बेस मेटल इटसेल्फ। तो ये एक और तरीका मैंने बताया। इसके सिवा आप डिसल्फराइजेशन भी कर सकते हैं। डिसल्फराइजेशन के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि किस तरह से डिसल्फराइजेशन किया जा सकता है, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है। बेसिकली उसमें हम कैल्शियम कार्बाइड और सोडा ऐश का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी डायनामिक फाउंड्री ग्रुप के ऊपर है। अगर आप डायनामिक फाउंड्री ग्रुप में डिसल्फराइजेशन इन डक्टाइल आयन सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, उसे भी जरूर देखिए। वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसे आप फर्नेस में कैल्शियम कार्बाइड और सोडा ऐश डालेंगे और जो डिसल्फराइजेशन है वो करो करो करेंगे, तो वो भी एक ऑप्शन आपके पास रहेगा। और मुझे लगता है ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जरूर हेल्प करेगी, जिससे आप जो बात का सल्फर है उसे कम करके आपका डक्टाइल आयन का क्वालिटी इंप्रूव करोगे, आपका मैग्नीशियम का जो कंजम्पशन है, जो उसका एडिशन है उसे कम कर पाओगे, और इस सारी चीजों को लेके आप बेहतर एजेंट बनाने में सक्षम रहोगे। इस उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ, और इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो को एंजॉय करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड विश वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि आप बेहतर एजेंट बनाए, क्योंकि एजेंट एक बहुत सेंसिटिव और क्रिटिकल मटेरियल है, और कस्टमर हमेशा ही जो भी एजेंट बनाता है उसकी तरफ इस तरह देखता है कि ये सही एजेंट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, उसका प्रोसेस कंट्रोल क्या है, डिसिप्लिन कितना है, और ये सारी चीजें अगर आप अपने प्रोसेस में इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, कस्टमर का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बढ़ेगा, और आप बेहतर एजेंट बनाने में सक्षम रहोगे, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स एजेंट में मिल जाएंगे और आपकी बिजनेस का, आपके कंपनी की ग्रोथ होगी। इस उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।